एक देश की आर्मी अपने देश के लिए काफ़ी कुछ करती है, और हम भाग्यशाली है कि हमारे देश की आर्मी भी टॉप 5 आर्मीज़ में आती है। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी के कुछ रैंक्स के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इंडियन आर्मी को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला होता है कमीशन्ड ऑफिसर्स, सेकंड होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, और तीसरा होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में ही जानेंगे। लेफ्टिनेंट, जो भी यंगस्टर्स IMA, OTA जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद इन्हें लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाती है। लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्टार होते हैं। कैप्टन, कैप्टन बनने के लिए 2 साल की सर्विस ज़रूरी है। कैप्टन 120 ट्रूप्स वाले टीम को लीड करता है। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार का निशान होता है। मेजर, मेजर बनने के लिए पार्ट बी एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है और 6 साल की सर्विस ज़रूरी है। मेजर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ बना होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल का मेन काम जूनियर्स को ट्रेनिंग देना होता है। इसके लिए कम से कम 13 ईयर्स की सर्विस ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पर 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है। कर्नल, कर्नल सिर्फ 54 साल की उम्र तक ही कर्नल रह सकता है। इसके बाद या तो वह प्रमोट होते हैं या फिर वह रिटायर होते हैं। इसके लिए 15 साल की सर्विस ज़रूरी है। ब्रिगेडियर, ये एक ब्रिगेड को लीड करते हैं जिसमें 3,000 ट्रूप्स होते हैं। ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 26 साल की सर्विस ज़रूरी है। एक ऑफिसर सिर्फ 56 साल की उम्र तक ही ब्रिगेडियर रह सकता है। ब्रिगेडियर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं और एक अशोक स्तंभ होता है। मेजर जनरल, मेजर जनरल जो टीम को लीड करते हैं उसमें 15,000 ट्रूप्स होते हैं। मेजर जनरल बनने के लिए 32 साल की सर्विस ज़रूरी है। एक ट्रूप 58 साल के बाद मेजर जनरल नहीं बन सकता। मेजर जनरल के कंधे पर 2 क्रॉस किए हुए तलवार होते हैं और 1 स्टार होता है। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए 36 साल की सर्विस ज़रूरी है। एक ऑफिसर 60 साल तक ही लेफ्टिनेंट जनरल रह सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल के कंधे पर 2 क्रॉस किए हुए तलवार होते हैं और 1 अशोक स्तंभ होता है। जनरल, इन्हें हम आर्मी चीफ या फिर कमांडर इन चीफ भी कह सकते हैं। एक ऑफिसर सिर्फ 3 साल तक ही जनरल रह सकता है या फिर 62 साल की उम्र तक। अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के जनरल जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जनरल के कंधे पर 2 क्रॉस किए हुए तलवार होते हैं, 1 स्टार होता है और 1 अशोक स्तंभ होता है। फील्ड मार्शल, वैसे तो ये आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन क्योंकि ये एक सेरेमोनियल रैंक है इसे रेगुलर स्ट्रक्चर में प्रयोग नहीं किया जाता। आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल रहे हैं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी वो कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना।